इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड की बातों से मीना अंदर तक हिल गई थी। उसके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। लंदन से एग्जिटर अपने घर जाते वक्त हर पल उसके अंदर गुस्सा पड़ता ही जा रहा था और शायद वो अपने गुस्से में खुद को ही जला रही थी। 4 घंटों का ये सफर उसे जैसे एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा जैसा महसूस हो रहा था। उस ट्रेन से सफर करते वक्त इतना बुरा उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे जैसे अपने घर पहुंचने की जल्दी सी थी और ये ट्रेन इतनी रफ्तार से नहीं चल रही थी। उसे 1-2 दिन पहले की गई क्विंसी की हरकत का भी काफी बुरा लगा था। किसी भी आम परिवार की तरह उसके और क्विंसी के बीच कभी कभार छोटी मोटी बहस हो जाती थी, पर उस तरह की लड़ाई जिसमें वो घर छोड़कर ही चला गया हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो जानती थी कि जोनाथन की मौत की खबर सुनते ही क्विंसी सब कुछ भूलकर वापस जरूर आएगा, पर उसके अंदर का डर उसे बार बार पुरानी यादों की तरफ खींच रहा था। कहीं क्विंसी किसी खतरे में तो नहीं? कहीं उसके साथ भी जोनाथन की तरह कोई हादसा ना हो जाए? वो तो अभी बच्चा है, वो खुद की हिफाजत भी नहीं कर सकता। उसे तो पता भी नहीं कि वो किसका सामना करने वाला है। मीना को तुरंत ही क्विंसी के पास पेरिस पहुंचना था, पर घर आकर अपना पासपोर्ट लेने और फिर वहां से निकलने में उसे काफी वक्त लगने वाला था। ये वक्त जो बर्बाद हो रहा था ये कीमती था। उसने कॉटफोर्ड से जो कहा था वो ठीक उससे उल्टा करने वाली थी। जोनाथन का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे क्विंसी को ढूंढना था। उसे पता था कि अगर उसकी जगह जोनाथन होता तो वो भी यही करता। क्विंसी को ढूंढना ज्यादा जरूरी था, और वैसे भी जोनाथन का अंतिम संस्कार करने का मतलब ही क्या बचा था? जैक पहले ही मर चुका था। आर्थर ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और क्विंसी का कुछ पता नहीं था। बस बचे थे तो प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग, जिनके आने का इंतजार वो इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड पहले ही कर रहा था। उसने जाते वक्त मीना से कहा था, अब्राहम वैन हेल्सिंग को मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा। कॉटफोर्ड की बातें मीना के दिमाग में किसी रिकॉर्ड की तरह बार बार घूम रही थी। वो उस घटिया बदबूदार इंस्पेक्टर को वैन हेल्सिंग का पता नहीं देगी। मीना ने जोनाथन के शरीर को क्रेमेटोरियम में जलाने को कह दिया था। उसने उसके लिए अपने मन में ही प्रार्थना कर ली थी। जब वो अपने घर पहुंची तो स्टेशन से आते वक्त वो बारिश में पूरा भीग चुकी थी। वो घर के बाहर के पत्थर के जीनों पर खड़ी सोच रही थी। ये जोनाथन के बॉस का दिया हुआ एक हवेली नुमा घर था जो कि अब खाली हो चुका था। ना तो वो यहां रातों को जागकर जोनाथन का इंतजार कर सकती थी और ना ही उसका प्यारा क्विंसी यहां था। ये खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था, पर मीना के पास सोच विचार में बर्बाद करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास खुद को सुखाने, कपड़े बदलने और कुछ जरूरी चीजें पैक करने के लिए बस 1 घंटे का वक्त था, क्योंकि यहां से उसे सीधा पोर्ट्समाउथ जाना था, जहां से उसे एक बोट पकड़कर शेरबोर्ग और फिर एक ट्रेन से पेरिस पहुंचना था। इस सब में उसे 2 दिन लगने वाले थे। जब तक वो क्विंसी से नहीं मिलती उसे खतरा था, और ये 2 दिन मीना के लिए 2 सदियों जैसे बीतने वाले थे। वो मोटा इंस्पेक्टर जरूर ही उसके पीछे लगा होगा, पर कम से कम पेरिस में वो उसकी पहुंच से काफी दूर होगी। ये शायद आखिरी बार था जब मीना अपने घर में आराम से थी, क्योंकि अगर कॉटफोर्ड ने और ज्यादा पड़ताल की और उसे कहीं ज्यादा जानकारी मिल गई तो वो मीना को खूनियों का साथ देने के जुर्म में जरूर जेल की सैर करा देता। मीना आर्थर से मदद मांगना चाहती थी, पर वो जानती थी कि वो अब उसका साथ नहीं देगा।
मीना ने जैसे ही वो पुरानी लोहे की चाबी दरवाजे में लगाई तो वो चौंक गई। दरवाजे का ताला खुला हुआ था। वो एकदम से रुक गई। क्या वो जाते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया था और नौकरों को भी कुछ दिनों की छुट्टी दे दी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसके घर में कोई था। मीना ने बड़े ही सधे हुए हाथों से दरवाजा खोला। वो नहीं चाहती थी कि दरवाजा जरा भी आवाज करे। उसने गर्दन अंदर डालकर झांका तो क्विंसी का गीला ओवरकोट जमीन पर पड़ा हुआ था। मीना ने राहत की सांस ली। क्विंसी घर आ गया था। पर अगले ही पल उसे अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मीना तेजी से घर के अंदर भागी और क्विंसी भी उतनी ही तेजी से दरवाजे की आवाज सुनकर पीछे पलटा। मीना ने क्विंसी से पूछा, क्विंसी तुम ठीक तो हो ना? घर की हालत अच्छी नहीं थी। सारा सामान अस्त व्यस्त हो रखा था। क्विंसी ने कहा, हां मैं ठीक हूं। मीना ने एक नजर वहां पड़े सामान पर डाली और पूछा, यह सब क्या है क्विंसी? तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्विंसी ने घर का सारा सामान पलट दिया था। वो अपने परिवार के छुपे हुए राज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने एक बड़े से हथौड़े से तिजोरी को तोड़ दिया था। उसने सारी दराजें छान मारी थीं और जो भी छुपे हुए कैबिनेट थे उसने उनमें से एक भी नहीं छोड़ा था। वहां मीना की लिखी डायरी और एक सिलसिलेवार तरह से रखे हुए सारे दस्तावेज बिखरे पड़े थे। क्विंसी ने एक सफेद लिफाफे को उठाया और उसके साथ कुछ हाथ से लिखी चिट्ठियां भी उसने मीना की ओर की। उस सफेद लिफाफे पर लिखा था, मीना हारकर का खत, अपने बेटे क्विंसी के नाम। मीना के चेहरे पर राहत और परेशानी दोनों ही थे। क्विंसी ने वो चिट्ठियां मीना की तरफ उछाल दी। उसने कहा, क्या आप मुझे ये राज बताने के लिए अपनी मौत का इंतजार कर रही थी? आपको लगता है कि आप अपनी उम्र ना बढ़ने का राज मुझसे छुपा सकती हैं? हां आपने ये किया भी काफी लंबे समय तक, और आप अजनबियों को कहती थीं कि हम दोनों भाई बहने हैं। मुझे तो ये सब बस एक मजाक ही लगता था, पर ये सच मैं नहीं जानता था। मीना ने कहा, तुम जो भी जानना चाहते हो वो इस चिट्ठी में है क्विंसी। जो भी मैं और जोनाथन तुम्हें बताना चाहते थे वो सब इस चिट्ठी में है। आप झूठ बोल रही हैं। मुझे बस ये जानना है कि आप ब्रैम स्टोकर को कैसे जानती हैं, क्विंसी ने लड़ते हुए कहा। मीना ने कहा, कौन ब्रैम स्टोकर? मीना के दिमाग की ऊहापोह बिल्कुल जायज थी। अगर उसने ये सब क्विंसी से एक दो दिन पहले कहा होता तो शायद वो उसकी बात पर यकीन कर लेता, पर अब नहीं। अब हालात काफी बदल चुके थे। क्विंसी ने कहा, जब मैंने पहली बार उस किताब को पढ़ा था तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। यह सब मुझे बस एक इत्तेफाक लगा था, पर अब नहीं। क्विंसी ने वो किताब मीना की तरफ फेंक दी। पीले कवर वाली उस किताब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर। मीना की सांस रुक गई। उस किताब के पन्ने पलटते हुए मीना की उंगलियां कांप रही थी। उसने कहा, ये तुम्हें कहां से मिली? क्विंसी को मीना का यह बर्ताव किसी स्टेज परफॉर्मेंस से कम नहीं लग रहा था। बड़े बड़े एक्टर भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। इतने साल उसने मीना पर भरोसा किया था, उसे अपनी सारी बातें बताई थी, पर अब उसे लग रहा था जैसे वो अपनी मां को जानता ही नहीं था। उसने कहा, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए। इस किताब में वही सब लिखा है जो आपने इस चिट्ठी में बयान किया है। आपके इसी बर्ताव ने इस परिवार को तोड़ कर रख दिया है मां। मीना ने कहा, मैं कसम खाती हूं क्विंसी, मुझे इस किताब के बारे में कुछ नहीं पता। क्विंसी ने कहा, आपकी इन बातों से मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। ब्रैम स्टोकर ने इस किताब में सब कुछ साफ साफ लिख दिया है।
उसने यह भी लिखा है कि आपका उस ड्रैकुला नाम के शैतान से कोई ना कोई संबंध है, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसने इस किताब में बहुत कम लिखा है। मुझे तो लगता है कि आपके और उस ड्रैकुला के बीच में कुछ और भी रहा होगा, मीना ने कहा। अपनी हद मत पार करो क्विंसी। क्विंसी को याद था कि स्कूल में एक बार 3 लड़कों ने मीना के बारे में कुछ गलत बातें कही थी और उसने उन्हें बहुत मारा था। उसने कहा, ये शैतान ड्रैकुला, यही वो तीसरा आदमी है जिसने आपके और पापा के बीच दूरियां पैदा कर दी थीं। मीना ने कहा, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता क्विंसी। क्विंसी ने लड़ते हुए कहा, आपने उस ड्रैकुला के साथ मिलकर पापा के खिलाफ साजिश की थी ना, आपने उसका खून भी पिया था। मुझे याद है, इस किताब के चैप्टर 21 में यह सब लिखा हुआ है। मीना ने कहा, बस करो क्विंसी, अब और नहीं। ये कहते हुए मीना भपक पड़ी, पर इससे क्विंसी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि जब मीना ने उस ड्रैकुला का खून पिया था, तब उसके पिता जॉनथन मीना से बस कुछ इंच दूर सो रहे थे। इतने सालों तक उसे लगता था कि जॉनथन की शराब पीने की आदत ने उसके परिवार में परेशानियां पैदा की हैं, पर अब उसे सच पता था। यह मीना का जॉनथन को दिया हुआ धोखा था, जिसकी वजह से जॉनथन अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसने कहा, ब्रैम स्टोकर की यह किताब कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, आपकी उम्र ना बढ़ने का राज ड्रैकुला का खून ही है। मीना ने कहा, मुझे पता था तुम नहीं समझोगे कुंजी, तुम्हारी उम्र में मैं भी नहीं समझ पाती। बुराई को पहचान पाना कभी आसान नहीं होता क्विंसी। क्विंसी वो किताब मीना को दिखाते हुए बोला, पर अब मैं समझ चुका हूं मां, पापा मुझे इसलिए हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते थे और वो चाहते थे कि आपकी सच्चाई कभी मेरे सामने ना आए। मीना ने कहा, नहीं क्विंसी, तुम्हारे पिता तो बस तुम्हें इस सबसे दूर रखना चाहते थे। क्विंसी ने वो किताब मेज पर पटक दी। उसने ट्रेन में पढ़े उस अखबार का वो पन्ना मीना को दिखाया, जिसमें जॉनथन की मौत की खबर छपी थी। उसने कहा, टेपिश द इंपेलर, लगता है वो मैं नहीं जिसे हिफाजत की जरूरत है, असल में वो पापा थे जिनकी हिफाजत मुझे करनी चाहिए थी, आपके पुराने यार से। मीना ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिता और तुम दोनों को हमेशा सबसे ज्यादा प्यार किया है क्विंसी। क्विंसी मीना को झिड़कते हुए बोला, प्यार? पूरी जिंदगी आपने मुझे पापा को उल्टा सीधा बोलने दिया। जो भी मैं उन्हें अनजाने में कह जाता था, वो सब आपके कहे हुए झूठ की वजह से था। मैं अपने मुंह से कही हुई उन खराब बातों को कभी वापस नहीं ले पाऊंगा। मैं उनसे कभी माफी नहीं मांग पाऊंगा। मैं अब आपकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता, पर आप चिंता मत करना, मैं अब अपने फैसले ले सकता हूं और मैं अपने पिता की आत्मा को शांति पहुंचा कर ही मानूंगा। आपकी मदद अब सिर्फ भगवान ही कर सकता है। क्विंसी ने अपना कोट उठाया और बाहर निकल गया। जाते हुए उसने दरवाजा जोर से मारा। मीना उसे पुकारती रह गई, पर वो नहीं रुका। मीना कह रही थी, नहीं क्विंसी, मेरी बात सुनो, तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो, पर उस रास्ते पर मत जाओ जहां तुम्हारी जान को इतना खतरा है। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार है तो तुम उस भयानक वक्त में वापस मत लौटो। इस सच को छुपा ही रहने दो क्विंसी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल तुम्हारे पिता जैसा हो। प्लीज क्विंसी रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ क्विंसी। पर क्विंसी जा चुका था, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीना को ये एक के बाद एक लगते सदमे बर्दाश्त से बाहर थे। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए गुस्सा और हकारत देखकर वो अंदर से टूट गई थी। उसे अब समझ में आया था कि जॉनथन को कैसा महसूस होता होगा जब क्विंसी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया करता था। मीना ने बस एक ही गुनाह किया था और वो था अपने बेटे को बचाकर रखना, और अब वो और जॉनथन
दोनों ही इसमें नाकामयाब रहे थे। मीना ने अपने गले में बंधे सोने के क्रॉस को जोर से पकड़ रखा था। वह खुद से कह रही थी, क्या अंधेरों के उस राजा को मेरा यह राज पता चल चुका है जो मैंने इतने सालों तक उससे छुपा कर रखा है? क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो मुझसे और जिन्हें भी मैं प्यार करती हूं उनसे अपना बदला लेगा? एक बूढ़ा आदमी दो सवारियों वाली एक घोड़े से चलने वाली बग्घी में बैठा लंदन की सड़कों पर रात में चला जा रहा था। वो लिवरपूल स्ट्रीट को हकारत और गुस्से से देख रहा था। उसके दिमाग में बाइबल की आयतें घूम रही थी, लेट देयर बी लाइट, और इस तरह प्रकाश पैदा हुआ। ये भगवान की इस सृष्टि की रचना की शुरुआत थी। अब यहां वो पुराने गैस लैंप पोस्ट नहीं थे जिनकी टिमटिमाती रोशनी एक रूमानी एहसास कराती थी, बल्कि अब यहां आधुनिक बिजली से चलने वाली लाइट्स लगी थी जिनकी तेज रोशनी आंखों में चुभती थी। अब कोई अकेला मुसाफिर रात में अपनी नजर आसमान में चमकते तारों की तरफ उठाकर नहीं देख सकता था, या फिर शायद अब कोई ऐसा करना ही नहीं चाहता था। इन बिजली से चलने वाली रोशनियों ने तारों को इंसानी नजरों से ओझल कर दिया था। इंसान ने अपनी अलग रोशनी बना ली थी और खुद को भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया से काटता जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि चलो अच्छा है, वो वैसे भी इंसानों की दुर्गति देखने के लिए ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसकी जिंदगी में बस एक आखिरी काम बाकी था और उसने अपनी लगभग सारी ताकत एम्स्टरडैम से लंदन तक आने में लगा दी थी। अपनी उम्र के चलते वो ये भी भूल गया था कि उसे लंदन का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बारिश में उसकी हड्डियों तक में दर्द होता था। उसे अब भी अपनी हड्डियों में वो नमी महसूस होती थी। एम्स्टरडैम से लंदन तक के उसके सफर में जरूरत से ज्यादा समय लग गया था। एक वक्त था जब वो एक ही महीने में कई बार अलग अलग जगहों पर चला जाता था, और अब उसकी धीमी रफ्तार की वजह से एंटवर्प में उसकी ट्रेन भी छूट गई थी। उसे फ्रांस की अगली ट्रेन पकड़ने के लिए पूरा एक दिन इंतजार करना पड़ा था। उसकी इच्छा शक्ति अब भी पहले जैसी मजबूत थी, पर अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी वो दो पहियों वाली छोटी सी बग्घी एक रेड ब्रिक में जाने पहचाने ग्रेट ईस्टर्न होटल पर आकर रुक गई। लंदन की बाकी जगहों की तरह ही ये होटल भी पहले से काफी बदल गया था। ये छोटा सा शांत लगने वाला होटल अब बगल वाली इमारत को मिलाकर और भी बड़ा और शानदार हो चुका था। जब वो बूढ़ा आदमी गाड़ी वाले को पैसे दे रहा था, तब उसका ध्यान सड़क के उस पार गया। फुटपाथ पर लगे स्ट्रीट लैंप में से दो तीन लैंप जल नहीं रहे थे और इसी वजह से वहां पर कुछ अंधेरा सा था। उस आदमी ने सोचा कि अगर ये पहले वाले गैस लैंप होते तो ऐसा नहीं होता। यह आधुनिक टेक्नोलॉजी उतनी भी बढ़िया नहीं है, पर वहां कुछ और भी उस अंधेरे हिस्से में एक गली के पास था। वहां एक आदमी खड़ा था। उसने एक टॉप हैट लगाई हुई थी और वो हाथ में अखबार लेकर उसे पढ़ने का नाटक कर रहा था। वो नजर बचाकर उस बूढ़े को ही देख रहा था। अपनी छड़ी से संतुलन बनाते हुए वो बूढ़ा आदमी होटल के मेन गेट से अंदर आया। उसे खुशी थी कि बारिश बंद हो चुकी थी। उसका इस जगह से पुराना जुड़ाव था। वो यहां की हर चीज को महसूस कर पा रहा था। पोर्टर उसका सामान लेकर अंदर आए और दरबान ने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उस बूढ़े आदमी ने उसे मना कर दिया। वो धीरे धीरे रिसेप्शन तक पहुंचा और उसने कहा, मैंने यहां अपने लिए एक कमरा रिजर्व किया है। रिसेप्शन ने कहा, जी बिल्कुल, आपका नाम सर?
उस बूढ़े आदमी को अब भी एहसास था कि सड़क के उस पार खड़ा वो आदमी उसे देख रहा था। उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने शीशे के पार उसे देखा, वो सही था, वो आदमी उसे ही देख रहा था। उन दोनों की नजरें मिल गईं और वो आदमी अंधेरे में कहीं गुम हो गया। ये आदमी उस बूढ़े का पीछा क्यों कर रहा था? क्या ये उसी शैतान का कोई नुमाइंदा था? दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कॉटफोर्ड और सार्जेंट ली जब तक हाई गेट सेमेटरी पहुंचे तब तक बारिश बंद हो चुकी थी और लंदन की ठंडी रातों का कोहरा फैलने लगा था। कॉटफोर्ड अपनी टॉर्च की रोशनी में उस बड़ी सी सेमेटरी का नक्शा देख रहा था। उसने अपनी टॉर्च का रुख इजिप्शियन एवेन्यू की तरफ किया, जहां दो बड़े बड़े स्तंभ जिन पर पपीते और कमल की पत्तियों की खूबसूरत सजावट थी। वो दोनों उस बड़े से गेट के अंदर गए। उस चांद रात में बिना पत्तियों के वो पेड़ किसी कंकाल की उंगलियों जैसे लग रहे थे। वहां बड़ी बड़ी घास के बीच में सफेद पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां जो कि दिन में बेहद खूबसूरत लगती थीं, पर रात में उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। ये देखकर कॉटफोर्ड को अपने बचपन की याद आ गई थी, जब उसकी मां उसे बैनशी, लेप्रिकॉन्स, रूप बदलने वाली आत्माओं, कीनिंग पोएम्स और द लेडी ऑफ डेथ की कहानियां सुनाती थी। कॉटफोर्ड को याद था कि जब वो छोटा था तब उसके आयरलैंड के गांव में इन्फ्लुएंजा फैल गया था और वहां के बड़े बूढ़े कहते थे कि ये सब किसी शैतान का काम था। मरीजों का कहना था कि उन्हें रात में सोते वक्त सांस लेने में काफी तकलीफ होती थी। उन्हें महसूस होता था कि उनके सीने पर किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो। उस गांव के अंधविश्वासी वैद्य का कहना था कि यह सब वैम्पायर्स का किया धरा था, क्योंकि वो रात में अपने शिकार की छाती पर बैठकर उसका खून चूसते थे। ये अफवाहें गांव में किसी महामारी से भी ज्यादा तेजी से फैल गई थीं। कॉटफोर्ड को याद था कि कैसे गांव के लोगों ने उसके मरे हुए भाई की कब्र खोद दी थी। उनका कहना था कि चूंकि उसका भाई ही सबसे पहले इस बीमारी से मरा था, इसीलिए वही वैम्पायर था और उसने ही गांव में यह बीमारी फैलाई थी। गांव के पादरी ने एक लोहे का सरिया उसके मरे हुए भाई के सीने के आर पार कर दिया था। कॉटफोर्ड ने भी तब उनकी बात मान ली थी, क्योंकि वो सरिया सीने में घुस जाने के बाद उसके भाई ने एक जोर की चीख मारी थी। उसके भाई की आंखों, कान और नाक से खून बहने लगा था। उन्हें लगा था कि उन्होंने इस महामारी पर काबू पा लिया था, पर इसके बाद 5 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कॉटफोर्ड का भरोसा भगवान, वैम्पायर्स और बाकी अंधविश्वासों से पूरी तरह से उठ गया। सालों बाद जब कॉटफोर्ड को पुलिस में काम करते हुए कई साल हो गए थे, उसे इन सब चीजों का कारण समझ में आने लगा था। मरने के बाद जब इंसान का शरीर अंदर से सड़ने लगता है तब उसमें कई तरह की गैसेस बनती हैं जिनसे शरीर फूल जाता है। ऐसे में अगर कोई शरीर में स्टेक जैसी भारी चीज घोंप दे तो शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून निकलना लाजमी है, और इस सब के बीच जब ये गैसेस मुंह से बाहर निकलती हैं तो इंसान के वोकल कॉर्ड्स हिलने की वजह से कभी कभी उसके मुंह से एक आह भी निकलती है। इसमें कुछ भी पारलौकिक नहीं है। कॉटफोर्ड का भाई कोई वैम्पायर नहीं था, बल्कि वो तो अंधविश्वास और अज्ञान की भेंट चढ़ा एक मासूम शिकार था। चलते हुए कॉटफोर्ड अचानक रुक गया। उसके कानों ने किसी के चलने की आवाज सुनी थी। चांद बादलों के साथ अब भी आंख में चौली खेल रहा था और सेमेटरी में अंधेरा छा गया था। कॉटफोर्ड ने ली को इशारा किया और वो भी अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गया। कॉटफोर्ड अपने दाईं तरफ पलटा और टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां सफेद घोड़े की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी।
गॉडफोर्ड को याद आया कि ये एक बड़े ही नामी घुड़सवार की कब्र थी। सेमेटरी के अंदर कब्रों के तहखाने से होते हुए गॉडफोर्ड और ली एक मकबरे तक पहुंचे जो कि सफेद यू के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस मकबरे पर कई लताओं और बेलों ने एक मकरजाल सा बना दिया था। ली ने सूखी पत्तियों को मकबरे के ऊपर से साफ किया तो उस पर लिखा था, वेस्टेनरा। ली ने गॉडफोर्ड को एक पल देखा और पूछा, सर क्या आप पक्का ये करना चाहते हैं? गॉडफोर्ड ने हां में सर हिलाया। इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने के लिए उसके पास पूरे सबूत नहीं थे। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी उसकी सालों की जांच पड़ताल और उसकी खुद की जोड़ी हुई कुछ कड़ियां। उसने अपने हिप फ्लास्क से विस्की का एक घूंट लिया। ली ने कहा, आप मुझे एक गुनाह करने को कह रहे हैं इंस्पेक्टर? गॉडफोर्ड ने अपने कोट की जेब से जॉन सिवर्ट का जर्नल निकाला और कहा, मैं ये यूं ही नहीं कह रहा ली, मुझे पक्का यकीन है कि जैक द रिपर ने 25 साल पहले यह खून किया था जिसके बारे में हमें और किसी और को कुछ पता नहीं था। ये डॉक्टर जैक सिवर्ट का खुद का लिखा कबूल नामा है। गॉडफोर्ड ने निशान लगाए हुए एक पन्ने को खोलकर टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। ये आर्थर था, उसका मंगेतर, जो कि दुख में चिल्ला रहा था जब उसने वो लोहे का स्टेक उसके दिल के आर पार किया। हथौड़े के पहले वार से वो जीव जो कि पहले हमारी प्यारी लूसी हुआ करती थी, उसने एक जोर की चीख मारी, हे भगवान, वो खून, वो भयानक दृश्य, मैं किस तरह से रोया था। लूसी को सबसे ज्यादा प्यार आर्थर ही करता था, पर फिर भी उसने वो काम किया। वो दृश्य मेरे दिमाग में न जाने कितनी बार घूमा है। मैं भी लूसी को बहुत प्यार करता हूं, पर फिर भी मैंने उसका हाथ क्यों नहीं रोका? पर मैं भी कोई दूध का धुला तो नहीं, क्योंकि मैंने ही उसका सर उसके धड़ से काट कर अपने हाथों से अलग किया था। मैं सालों से खुद को दिलासा दे रहा हूं कि हम लूसी की आत्मा को पवित्र कर रहे थे, पर अगर ये बात सच है तो फिर उसकी चीखें मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं? या फिर वो दृश्य जब प्रोफेसर वैन हेल्सिंग ने अपने सर्जिकल ब्लेड से एक एक करके लूसी के जिस्म के बाकी हिस्सों को काटा था, ये सब मेरे दिमाग से क्यों नहीं जाता? बस सर, बहुत हुआ, ली ने गॉडफोर्ड को टोका। गॉडफोर्ड ने कहा, यह मेरा उत्साह नहीं है ली, बल्कि ये मेरे अंदर का भ्रम है कि मैं इस केस को सुलझा ही नहीं पाया। लूसी वेस्टेनरा के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है कि उसकी मौत एक बड़ी अजीब खून की बीमारी से हुई, और इस डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर लैंगला के दस्तखत है। ये वही आदमी है जिसने आर्थर होमवुड के मैरिज लाइसेंस पर दस्तखत किए थे। तुम्हें यह कुछ अजीब नहीं लगता? जैसा इस जर्नल में लिखा है, लूसी की मौत शांति से नहीं हुई थी, ली ने अपना शक जताते हुए पूछा। अगर यह जर्नल एक नशेड़ी की लिखी हुई बकवास हुई तो? गॉडफोर्ड ने कहा, पागलपन की बातें मत करो ली, तुम जानते हो इस जर्नल में लिखा सब कुछ सच है। अगर हम पीछे हट गए और कोई और मासूम औरत उस राक्षस की भेंट चढ़ गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये कहते हुए गॉडफोर्ड के जबड़े भिज गए थे। ली ने गॉडफोर्ड, जो कि उसका सीनियर ही नहीं गुरु भी था, उसे कुछ पल देखा। वो जानता था कि गॉडफोर्ड के तर्क सही थे। उसने उस मकबरे की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो भगवान हमें क्षमा करना, और अगर हम सही हैं तो हे प्रभु हमारी रक्षा करना। उस मकबरे का दरवाजा बहुत ही बुरी तरह से जाम हो चुका था। उन दोनों को उसे खोलने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसके जंग लगे कब्जे कानों में चुभने वाली आवाज कर रहे थे। टॉर्च की रोशनी से कई चूहे चिचियाते हुए एक तरफ भागे। गॉडफोर्ड और ली ने कब्र पर रखा वो भारी भरकम पत्थर उठाया।
और अंदर से जो बदबू बाहर आई वो उन्होंने कभी मुर्दा घर में भी नहीं महसूस की थी। अपने मुंह पर हाथ रखकर ली एक तरफ हट गया। उसे जोर की खांसी आ गई थी। कॉटफोर्ड ने कहा, ओफो, ये कब्र 25 साल पुरानी है, इससे ऐसी बदबू तो नहीं आनी चाहिए। कहीं इसमें हाल ही में एक और शिकार तो नहीं आ गया? पर इस कब्र का दरवाजा तो सालों से नहीं खुला, ऐसा हो कैसे सकता है? ली ने भी सर हिलाकर कॉटफोर्ड की बात का समर्थन किया। पर इसमें कोई मरा हुआ जानवर जैसे कि कोई चूहा या नेवला भी तो हो सकता था। वो दोनों चाहते थे कि ऐसा ही हो। कॉटफोर्ड ने टॉर्च कब्र के अंदर मारी। अंदर एक औरत का कटा फटा कंकाल था। उसका वो सर जिस पर लाल बाल अब भी साफ दिखाई पड़ रहे थे, धड़ से अलग किया जा चुका था। उसके मुंह में सूखे हुए फूल पड़े हुए थे और उसके हाथ पैर काट कर एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए थे। एक लोहे का स्टेक उसके सीने में धंसा हुआ था। उस कब्र में सूखे हुए खून के धब्बे अब भी देखे जा सकते थे। लूसी के टुकड़े टुकड़े हो चुके जिस्म को देखकर कॉटफोर्ड का दिमाग वापस उसी समय में चला गया जहां 25 साल पहले जैक द रिपर ने व्हाइट चैपल की 5 वेश्याओं की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कॉटफोर्ड के हिसाब से यह वैन हेल्सिंग का ही काम था। कॉटफोर्ड का मन गुस्से और घृणा से भर गया था। होनी, पागल हत्यारे, ली ने चिल्लाते हुए कहा। ली के चेहरे पर कॉटफोर्ड को इंसाफ की भूख बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही थी। उसके अंदर वो खुद की 25 साल पहले वाली छवि देख पा रहा था। उसने कहा, सार्जेंट ली, मुझे इस क्राइम सीन की सारी तस्वीरें चाहिए और मैं चाहता हूं कि लूसी के शरीर को सुरक्षित मुर्दा घर तक पहुंचा दिया जाए। हमारे सीनियर्स को हमारी इस हरकत के बारे में जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। वो सर्जन, अगर वो सो रहा हो तो उसे जगाओ और उससे लाश की पूरी ऑटोप्सी करवाओ। और ध्यान रहे कि यह सारा काम सुबह से पहले पूरा हो जाए। और वो डॉक्टर सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले ही अपने घर चला जाए। इससे किसी को कोई शक नहीं होगा। और हां, ये रिपोर्ट सुबह मेरी मेज पर होनी चाहिए। पर तभी कॉटफोर्ड ने अपनी उंगली मुंह पर रखते हुए ली को चुप रहने का इशारा किया। उसने शायद बाहर से किसी के इस तरफ आने की आवाज सुनी थी। हमेशा की तरह कॉटफोर्ड ने अपनी पिस्टल अपने साथ नहीं ली थी। उसने अपनी टॉर्च बंद की। ली ने अपना बेटन हाथ में लिया हुआ था। वो सावधानी से दरवाजे के पास आड़ लेकर खड़ा हो गया। कॉटफोर्ड अपनी टॉर्च लेकर तैयार खड़ा था। वो कदमों की आवाज पास आती गई और चांद जैसे ही बादलों से बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि एक काली आकृति दरवाजे के पास आई। उसे देखकर समझ आ रहा था कि उसने एक टॉप हैट लगाई हुई थी। वो आदमी जैसे ही अंदर आया, कॉटफोर्ड ने टॉर्च की रोशनी सीधा उसकी आंखों पर मारी, जिससे वो कुछ पल के लिए अंधा सा हो गया। इससे पहले कि ली उसे मारता, वो खुद ही बोल पड़ा, कांस्टेबल प्राइस, तुम यहां इस वक्त बिना यूनिफॉर्म के, तुम्हें क्या चाहिए? कांस्टेबल प्राइस ने अपनी टॉप हैट उतारी और हांफते हुए बोला, सर, आपने ही तो कहा था कि मुझ पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। क्या मैंने कुछ गलत किया? वो आदमी जिसकी फोटो आपने मुझे दिखाई थी, उसने आज रात ही ग्रेट ईस्टर्न होटल में चेक इन किया है। कॉटफोर्ड ने पूछा, क्या सच में? कॉटफोर्ड को इस नौजवान की ईमानदारी पसंद थी। उसने ली के साथ मिलकर उसे अपने विश्वास में ले लिया था। कांस्टेबल प्राइस ने कहा, हां सर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो पहले से काफी बूढ़ा हो गया है, पर मैं उसे देखते ही पहचान गया। कॉटफोर्ड ने अपने फ्लास्क से विस्की का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो अब शुरू करते हैं।